उत्तर प्रदेश के सीतापुर के पुराने सीतापुर में बने स्लेटर हाउस के संचालक पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप लगाने वाला और कोई नहीं, इस स्लेटर हाउस में कार्य कर रहा एक कर्मचारी ही है। इस कर्मचारी का कहना है कि स्लेटर हाउस संचालक द्वारा अवैध वसूली की जा रही है तथा स्लेटर हाउस के बने हुए कमरों को रेंट पर देकर लोगों को यहां रात भर रोका जाता है। सीतापुर के पुराने सीतापुर में सरकार की तरफ से एक स्लेटर होम बनवाया गया था जो काफ़ी पुराना हो चुका है, अप्रॉक्स 1 से 2 साल इसको हो चुके हैं, और यहाँ जो संचालक है उसके ऊपर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप क्या हैं हम जानते हैं यहीं के स्थानीय से, जो बताएंगे कि उनके क्या आरोप हैं। भैया क्या आरोप हैं आपके? आरोप ये है कि यहाँ के जो शेल्टर होम मैनेजर हैं MS कादरी, वो यहाँ तो रहते नहीं हैं, वो 2 दिन के लिए आते हैं, 10 दिन अपने घर में रहते हैं वो। दूसरी चीज़, हम केयरटेकर पद के ऊपर काम करते हैं, हमारा नाम जीशान है, हम 2 ईयर से काम कर रहे हैं, हमारा वेतन जो है गवर्नमेंट हमको 8,000 दे रही है, यहाँ के मैनेजर जो है हमको कैश में पेमेंट देते हैं, 4,000 रुपये देते हैं। जब हम अपने वेतन के लिए मुद्दा उठाते हैं तो वो हटाने की धमकी देते हैं हमको। यहाँ पर दिक्कतें क्या हैं? देखा गया कि कमरों में ताले पड़े हुए हैं, वो क्या रीज़न है? वो ये सब ऐसा सिस्टम बनाया है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइनों का उल्लंघन कर रहे हैं। अच्छा, ये भारत सरकार ने उन लोगों के लिए दिया है जो गरीब व्यक्ति लोग हैं, जैसे यात्री लोग हैं, 1-2 दिन के लिए अपने विश्राम कर लें। यहाँ का तो ये सिस्टम है, कोई अगर स्टूडेंट भी आता है तो उसे 100 रुपये लिए जाते हैं। अच्छा, इस समय जो कमरों में ताले पड़े हुए हैं और लग रहा है कि बाहर के लोग रुके हुए हैं, ये कौन लोग हैं? ये बाहर के लोग वो हैं जो फेरी एरी करते हैं। अच्छा। जैसे फेरी करने वाले हैं, इन लोगों से 50 रुपये व्यक्ति लिया जाता है, कमरे दिए जाते हैं, वो अपना ताला मार के अपनी चाबी जेब में रख के चले जाते हैं। काफ़ी दिनों पहले यहाँ पर एक माता जी लाई गई थी, उनके साथ मारपीट का भी कोई मामला हुआ है यहाँ पर? नहीं, वो तो हमारे सामने नहीं हुआ है। अच्छा जी, बट हम घर चले गए होंगे, खाना खाने के लिए चले गए होंगे। हाँ। उसके बाद अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में हमको कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान है, केयरटेकर पद के ऊपर काम कर रहे हैं। क्या चाहते हैं, क्या यहाँ बदलाव हो? हम तो भारत सरकार से अपनी यही चाहते हैं, इसलिए योगी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है, गवर्नमेंट बिल्डिंग दी है तो गरीबों के लिए दी है, और आजकल का तो ये हिसाब बनाया यहाँ के मैनेजर MS कादरी ने कि गरीबों का हक मार रहे हैं। हमारे पिताजी हैं नहीं, हमको 4,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है, बताइए इतनी महंगाई में 4,000 में क्या होता है? जैसा कि आपने सुना, ये बने हुए स्लेटर होम में लगातार अवैध वसूली की जा रही है, और आए दिन यहाँ उच्च अधिकारी आकर यहाँ सर्वे भी करते रहते हैं और जांच के बाद उनको यहाँ कुछ नहीं मिलता है। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट। स्लेटर हाउस संचालक के ऊपर यह भी आरोप है कि यहाँ रहने वाली बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया जाता है तथा स्लेटर हाउस के समस्त कार्यों को इस वृद्ध महिला के द्वारा कराए जाने का भी आरोप लगा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सुधा है। अच्छा, कितने दिनों से यहाँ है? 1 साल से रह रहे हैं। क्या दिक्कत आ रही है आगे? अरे दिक्कत तुमको बहुत परेशानी है, यहाँ काम भी करते हैं, उनसे पैसा भी मांगते तो देते नहीं। किस से मांगते पैसा? अरे कौन है? कादरी कादरी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो क्या दिक्कत आती है, क्या क्या काम करती हैं आप यहाँ? अरे साफ सफाई करते थे। हाँ। कहीं बाहर करती हो चलो यहाँ भी कर दिया करो, और पैसा भी हम दे देंगे, और जब पैसा मांगते थे तो पैसा देते नहीं। अच्छा, मारपीट भी किया? हाँ, मारते थे, मार डंडन से रे जा मारो, उन लोगों से कह दे कि मारो, तो लोग मारने लगते थे। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की? नहीं, हमने शिकायत नहीं की, हमने बहुत मार सही, हमने कहा क्या शिकायत करने, तो हम तो जाते शिकायत करते, लेकिन हमने किया नहीं, हमने कहाँ जाएंगे कहाँ भटकेंगे। इसी तो स्लेटर हाउस में कार्य कर रहे कर्मचारी का कहना है कि यहाँ का संचालक कादरी लगातार उसके साथ भी शोषण कर रहा है तथा उसका वेतन भी नहीं दे रहा। जब पूरे घटनाक्रम की जानकारी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद वैभव त्रिपाठी को दी गई तो उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए स्लेटर हाउस संचालक कादरी पर कठोर कार्यवाही करने की बात कही है। स्लेटर हाउस का मामला सामने आया है, क्या पूरी बात है? जी, एक फोटो संज्ञान में आया था जिसमें कुछ बोरे वगैरह जो है स्लेटर हाउस में कमरों में रखे गए थे, और पूर्व में भी एक आध बार शिकायत ये आई है कि वो अपने कर्मचारियों को समय से वेतन नहीं दे रहा है। आज उसके कर्मचारी के द्वारा स्वयं मुझे जो है शिकायत प्रस्तुत की गई है कि वो शॉर्ट पेमेंट किया जा रहा है, मात्र 3-4 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। तो ये सब चीज़ों का संज्ञान लेते हुए
हम पूरी तरीके से जांच करेंगे कि कोई प्राइवेट कार्य तो वहाँ नहीं हो रहा है, किसी प्रकार की अवैध वसूली तो नहीं हो रही है। कर्मचारियों को यद्यपि वेतन देना उनका दायित्व तो है और मानकों के अनुसार देना दायित्व तो है, किंतु संरक्षक होने के कारण हम लोग का भी दायित्व तो है कि हम इसको देखें कि किसी तरह से किसी के साथ अन्याय ना होने पावे। तो इस क्रम में संबंधित प्रकरण का पूरा जाँच करा करके जो है नियमानुसार कड़ी कार्रवाई संचालक के विरुद्ध की जाएगी। कादरी जी वहाँ पर हैं, उनके ऊपर ही आरोप ज़्यादा लग रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्यवाही की जाएगी? एक महिला कर्मचारी, उसके साथ मारपीट की भी बात सामने आई है। जी जी, मैं वही बात कह रहा हूँ कि सब चीज़ें इधर से जानकारी मेरी आ रही हैं कि मारपीट की भी ऐसी कोई स्थिति आई, कर्मचारियों को कम वेतन देना और 50 रुपये जो है कमर्शियल लेना और बोरा वगैरह इस तरह की चीज़ों को प्राइवेट यूटिलाइजेशन में ले आना, वो भी इस समय इस मतलब इधर चीज़ें ज़्यादा सुनने में आ रही हैं। तो लिखित मुझे शिकायत आज प्राप्त होने वाली है, मौखिक शिकायत मुझे मिली है, उसके पश्चात मैं इसमें निश्चित ही टीम बना करके कड़ी कार्रवाई करूँगा। अब देखना ये है कि क्या समय रहते स्लेटर हाउस संचालक पर कार्रवाई होती है या फिर ये स्लेटर हाउस अवैध वसूली का अड्डा बना रहेगा। सीतापुर से राजेश शुक्ला की रिपोर्ट।